तो गाइस आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सरल विद्युत मोटर का चित्र बनाना सिखाएंगे, वो भी 10 टाइम्स वन नंबर की हेल्प से। आपको यहाँ पर 2 टाइम्स वन नंबर लिखना होगा, सेम डिस्टेंस पे इधर भी आप ऐसे यानी कि सेम लंबाई का आप इधर भी डबल वन नंबर लिखेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा वन नंबर लिखिएगा, फिर आपको इधर एक लिखना होगा, फिर इधर आप ऐसे डबल वन नंबर इस तरह लिख देंगे। इस तरह आपको बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आप इधर, फिर हल्का सा अंदर, फिर इसको बीच में आप अंदर की तरफ इस तरह बढ़ा दीजिएगा। बहुत ही आसान होने वाला है। अब आपको देखना है, यहाँ से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आप इसको ऐसे मिलाइएगा, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको भी हम आगे की तरफ बहुत ही आसानी से बढ़ा देंगे। इस साइड आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन यहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे, इधर भी आप ऐसे बढ़ाइएगा। और गाइज अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यह हमारी गारंटी है दोस्तों, आपको सरल विद्युत का चित्र बनाना आ जाएगा, यानी कि सरल विद्युत मोटर का चित्र। ऊपर के सिरे से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिएगा, नीचे के साइड में बहुत ही आसानी से आप इसको मिला देंगे, इधर से मिलाइए। अब ध्यान दीजिएगा, यह हमारा नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ, दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक आयताकार प्लेट रखा जाएगा। लास्ट में हम आपको इसके नाम भी लिखना सिखाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दोस्तों स्केल का यूज करते हुए आप इसको बहुत ही आसानी से मिलाएंगे, इधर से इसको मिला दीजिएगा, इधर भी आप ऐसे मिला देंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। फिर आप बहुत ही आसानी से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाइएगा, छोटी सी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पर मिलाइएगा, इधर भी आप नीचे के साइड में एक ओवल शेप आप बनाएंगे। ओवल शेप बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक सी लेटर लिखना होगा, इधर से भी आप ऐसे सी लेटर लिखिएगा, इसको हम डबल करेंगे, इधर से भी आप इसको डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर भी इसको डबल करना होगा, आगे के सिरे पर इधर भी हम ऐसे डबल कर देंगे। एक लाइन आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाइएगा, इस लाइन को भी हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, फिर आपको नीचे की तरफ लाइन को बढ़ाना होगा, यहाँ से भी आप नीचे की तरफ लाइन बढ़ा दीजिएगा और आगे की तरफ हम ऐसे बढ़ाएंगे। अब आप एक बड़ी लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर एक छोटी सी लाइन, लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आगे की तरफ लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर से आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी, आगे की तरफ बढ़िएगा और बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स आपको रिपीट करना होगा। यहाँ पे हमारा 3 टाइम हो गया, 1 ये हो जाएगा। फिर एक छोटी लाइन ड्रॉ करिएगा और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, छोटा सा हाफ सर्किल इधर और छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। इधर से आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम इसको मिलाएंगे, यहाँ पर आप प्लस सिंबल लगा दीजिएगा, इस साइड हम माइनस सिंबल लगा देंगे। अब चलिए दोस्तों हम बहुत ही आसानी से इसके नाम भी लिखना सीख लेते हैं।